All of you. Good morning, sir. Today we have an interesting session, and I want all of you to ask certain questions from your related to your life, and I'm ready to answer you, friends. So, any question from any side? Yes, sir. Please. Is stubbornness is good for us? Kya jitni bhi hamare liye acha hai? Okay, sir. Your question is very nice, and I believe this question is very important for all of us, friends. That stubbornness is very necessary for life. देखिए फ्रेंड्स, जिद जो है वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, पर प्रोवाइडेड वो सही कारण के लिए। अगर वो रॉन्ग कारण के लिए तो हमारे लाइफ को वर्स भी बना देती है, और अगर वो सही कारण के लिए तो हमारी लाइफ को अच्छा भी बना देती है। देखिए, मलाला यूसुफ का आपने नाम सुना होगा। शी वॉज हार्डली 12 ईयर्स व्हेन शी टोल्ड तालिबान दैट आई वांट टू स्टडी, और मैं पढ़ाई करूंगी और मुझे कोई पढ़ाई करने नहीं रोक सकता। टेररिस्ट आए, उनको अटैक किया और 12 गोलियां उस 12 साल की बच्ची को दाग दी गई, ऑलमोस्ट नियर हर हेड एंड ऑल हर बॉडी गॉट ब्लडेड, स्टिल शी सर्वाइव्ड एंड लेटर ऑन शी इज द लेडी, शी हैज नाउ यू वी नो वेरी वेल हर एज, शी हैज द लेडी हु हैज अर्नड अ नोबल प्राइज, जिसने क्या जीता, नोबल प्राइज, एंड शी इज द लेडी हु वाज वेरी ब्रेव। तो जिद अगर सही जगह पर लग रही है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते रहते हैं, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको हिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वे पढ़ते रहते हैं, मगर कुछ लोग इतिहास रचते हैं। तो जीवन में होना ऐसा चाहिए कि हमें इतिहास पढ़ना बुरा नहीं है, ये नहीं कहूंगा बुरा है, पर इतिहास रचने की भी कला होनी चाहिए। जब भगत सिंह जी ही वॉज गॉट एंगेज्ड, उनकी एंगेजमेंट होने लगी, तो उनकी मदर ने बोला, भाई हमने आपके लिए गर्ल देख ली है और हम चाहते हैं तुम्हारी मैरिज करना। तो भगत सिंह जी ने बोला था, नहीं, मैं अपनी जो बॉडी है वो एक गर्ल को नहीं दे सकता, मैं पूरे देश को दे सकता हूँ। और वो कानपुर भाग गए थे लेटर लिखकर, और ये कह गए थे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मेरा देश, मैं अपने देश को आजाद चाहता हूँ। तो देखिए, अगर सही मोमेंट पे, सही पॉइंट पे अगर आपकी जिद है तो बहुत अच्छी है, और अगर किसी नोबल कॉज के लिए तो वो तो बेस्ट है। तो डिपेंड करता है कि हमारी जिद किस कारण के लिए। अगर हम छोटे और तुच्छ यानी कि ट्रिफल मैटर्स के लिए अगर जिद कर रहे हैं किसी मैटर के लिए, तो वो गलत भी हो सकती है और हमारी लाइफ को वर्स भी बना सकती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी जो जिद है वो किस मोमेंट पे करनी है। तो देखिए, बहुत से हमारी लाइफ के अंदर एग्जांपल्स हैं, हमारे वी नो वेरी वेल फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, टिकट होते हुए भी साउथ अफ्रीका से ट्रेन से उन्हें निकाल दिया गया था, मगर उन्होंने जब उन्हें ट्रेन से धक्का देकर घेर दिया नीचे प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास टिकट हो गए तो क्या हो गया, तो इंडियन नॉट अलाउड, चलो बाहर आओ, उनको बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने बोला, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा। तो अगर सही मोमेंट पे, सही जगह पर अगर आपकी जिद है तो बिल्कुल आप इतिहास रचने के कैपेबल हो, और ये बेस्ट एज है हमारी इतिहास रचने की। देयर इज नो एज टू फ्लरिश इन लाइफ, एवरी एज इज बेस्ट टू गेट फ्लरिश इन लाइफ। सो एनी मोर क्वेश्चन, आई होप यू हैव सैटिस्फाइड विद द स्टबर्ननेस, ऑब्स्टिनेसी कहाँ जरूरी है। अगर हमें मालूम है हमें रिजल्ट रहना तो रहना है, पर वो सही प्लेस होना चाहिए। Anybody want to ask any question? Yes, please. How to be superb in life? कि हम अपनी लाइफ में डायनेमिक और सुपर्ब कैसे हैं? Okay, देखिए, superbness comes with practice. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो superbness आएगी ही। देखिए, हम दिन में अगर 3 बार खाते हैं तो हम फेड अप हो जाते हैं, मगर दिन में आप 3 बार पढ़ लो, आप नॉलेजेबल हो जाओगे। तो डिपेंड करता है आप किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा दे रहे हो, किस चीज के ऊपर आप एनर्जी ज्यादा लगा रहे हो जीवन में। अगर आप सही मोमेंट पे, सही चीज पे अगर एनर्जी लगा रहे हो तो वो गलत नहीं है। बैठिए प्लीज। आई होप आपने शायद ब्रूस ली का नाम सुना हो, जिसका पंच इतना फास्ट होता था कि वो जो डायरेक्टर होते थे उनको अपनी फिल्म में स्पीड स्लो करनी पड़ती थी ये दिखाने के लिए कि पंच लगा है। देखिए क्या मोमेंट होता होगा कि डायरेक्टर को ये दिखाने के लिए कि ब्रूस ली ने पंच मार के वापस भी हाथ कर लिया है, ये शो करने के लिए अपनी मूवी का जो पैटर्न है वो स्लो करना पड़ता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पंच लगा है, इतनी स्पीड से उनका पंच लगता था। तो विच नीड्स अ प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप सुपर बनोगे। मैं आपको यहाँ पर अपने 2 स्पेशल नाम दूंगा, एक तो हमारे गूगल के सीईओ, एक हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। आपने नाम सुने होंगे मेरे ख्याल से, सुंदर पिचाई वगैरह नाम सुने आपने? यस सर। तो देखिए, ये जो लोग थे, ऐसा नहीं है कि वन डे मिरेकल बने, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और कई बार तो इनके कॉलेज के अंदर इनके स्लीपिंग बैग्स तक मिले भी, शोज किए, प्रोजेक्ट करते करते वहीं सो जाते थे। तो वी शोज दे वर वेरी लेबोरियस, सबसे पहली बात। दूसरे जो गूगल के जो सीईओ थे, उनको उस समय जब सीईओ नहीं होते थे उस समय भी उन्होंने ये बात कन्वे कर दी थी अपनी स्टडीज के द्वारा, या मैं कह सकता हूँ अपनी हार्ड वर्क के द्वारा, कि उन्होंने पहले ही कन्वे कर दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत जल्दी हमको निकाल देगा, ये एक ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन लेकर आएगा जिससे गूगल जो है वो डिफॉल्ट फोल्डर में नहीं रहेगा। तो गूगल वाले नहीं माने, मगर अल्टीमेटली हुआ यही, वो बिंग ले आए। तो वी शोज दैट ही वॉज अ माइंडेड पर्सन, और
we know very well the rest is history. The Indian people have become the CEOs today, either whether it is Microsoft or it is Google. So life को superb बनाने के लिए हमें quality और quantity दोनों को workout करना पड़ता है. पर मेजर हमेशा किस पे रहना चाहिए? क्वालिटी. अगर आप क्वालिटी को बेस्ट बनाकर चल रहे हो और क्वांटिटी कम भी है तो भी आपकी लाइफ बेस्ट रहेगी. वही हमारी पर्सनल लाइफ में रहता है. अगर हम क्वालिटेटिव जी रहे हैं तो क्वांटिटी अगर कम भी है तो चल जाता है, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि हर अमीर आदमी खुश नहीं होता और हर गरीब आदमी दुखी नहीं होता. तो हैंड टू माउथ होना गलत नहीं है, इट्स अ गुड हैबिट और शायद ये आपको एनर्जेटिक भी रखता है. हाँ, सेफ साइड रखिए आप अपनी लाइफ को, पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करके चलना है. पर हमेशा अपर साइड किसको देनी है? क्वालिटी को, राइट फ्रेंड्स? तो आई होप योर लाइफ विल बी मोर सुपर. एनीबडी वांट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंस? यस प्लीज सर. हाउ टू सर्च बेस्ट, अच्छे को कैसे ढूंढा जाए? ओके, देखिए अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर सबसे अच्छे को कैसे ढूंढा जाए, तो देखिए ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने मिडनाइट लैब्स चलाए हैं स्ट्रगल के लिए. तो ऐसा नहीं है कि हमें हाथों हाथ बेस्ट मिल गया है लाइफ में. और बेस्ट पाने के लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना जो सेंट्स ने कही है. एक बार एक संत थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी जो हमें ये शोक भी करती है कि लाइफ में बेस्ट कैसे पाया जाए. तो एक पर्सन था फ्रेंड्स, वो एक सेंट के पास गए. तो जो सेंट थे वही वो कहानी सुना रहे थे. वो कहते एक पर्सन आया मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं ना अपने पेरेंट्स को ना एक बहुत अच्छी कार देना चाहता था, पर उस समय ना मेरे पास पैसा नहीं था, पर मैं देना चाहता था उनको कार. पर मेरे पास जैसे ही पैसा आया तो मैं थोड़ा सा स्लो हुआ. मैंने कहा मैं बिजी हो गया अपने बिजनेस में और थोड़े सालों में थोड़े टाइम के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गया. उसके बाद सर मेरा जो सन हुआ, मैंने अपने बेटे को ये चाह कि मैं अपने बेटे को ये गिफ्ट चीज करूंगा. पर्टिकुलर उसके ये चीज पसंद थी और मैं उसे गिफ्ट करना चाहता था. अनफॉर्चुनेटली जब तक वो जॉब लगा तब तक मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं उसको गिफ्ट करूं. और अब वो खुद ये गिफ्ट खरीद सकता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो गिफ्ट उसको देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज से खुश होगा, क्योंकि वो ऐसे चार गिफ्ट खरीद सकता है. तो वो सेंट ने उसको बोला कि तू इसमें दुखी क्या, दे तो अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा खरीद सकता है. सर हो सकता है, मगर मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता था ना वो मैं कर नहीं पाया, पता नहीं क्यों. तो सेंट ने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं, तुम एक काम करो, तुम मेरे रोज गार्डन में चलो और मुझे एक बड़े से बड़ा रोज निकाल के दो उस गार्डन में से. तो वो व्यक्ति नहीं समझा ये सेंट क्या चाहते हैं मुझसे. वो व्यक्ति वहां गया और सर्च करने लगा. अब उसने कंडीशन रख ली सेंट ने कि जब आप चलने लगोगे तो जो भी रोज आपको मिलता है सामने से, जो आपको बड़ा रोज मिलता है, या तो उसको प्लग कर लो तोड़ लो मेरे लिए, या फिर उससे भी बड़ा आप आगे स्टेप चलो, उम्मीद है आ जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओ. हाँ, जो आपको बड़ा मिल जाएगा ले आना, मगर जब आप एक बार आगे बढ़ गए तो आप पिछले रोज को नहीं तोड़ सकते. यानी कि आप एक स्टेप अगर आपने आगे रख लिया तो आप पिछले रोज को नहीं तोड़ सकते. तो वो व्यक्ति कहता ठीक है, कॉमन बात है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा. वो व्यक्ति चलने लगा तो वहां पर एक रोज आया जिसका साइज इतना बड़ा था. उसने थोड़ा सा और आगे देखा तो थोड़े बड़े रोज थे. वो कहता यार ये सही है. वो थोड़ा और आगे बढ़ा, बड़े रोज शुरू हुए. वो बड़ा खुश हो गया था, वाओ ये तो बड़े रोज शुरू हो गए. वो थोड़ा और आगे गया और बड़े रोज शुरू हुए. उसने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है. उस खुशी के अंदर वो कुछ भूल गया, हिज अटेंशन, जो आपने बोला पर्टिकुलर वर्ड कि सर बेस्ट कैसे ढूंढा जाए. बेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपकी अटेंशन. अगर आप अटेंटिव हो किसी काम के लिए तो आपको बेस्ट मिलेगा. अदरवाइज क्या होगा, आपने सुना होगा जो लोग सोए रह जाते हैं फिर उनको क्या मिलते हैं. तो सेम केस हियर, वो व्यक्ति जब आगे बढ़ा उस लालच में, उस पर्टिकुलर ग्रीड में, दैट नेक्स्ट कुछ और मिलेगा, नेक्स्ट कुछ और मिलेगा, अचानक छोटे रोजे शुरू. अब उसको उम्मीद क्या थी कि छोटे रोजे शुरू हो गए शायद बड़ा आ जाए, शायद बड़ा आ जाए. और आप हैरान हो जाएंगे सुनके, उसने गार्डन क्रॉस कर दिया मगर वो तोड़ नहीं पाया एक भी. सिर्फ कंडीशन क्या थी कि आप पीछे नहीं जा सकते, इससे बड़ा रोज ही आपको लाना है. तो क्या स्टोरी का मॉडल क्या मिला आपको? यही मिला कि लाइफ के अंदर छोटी चीजों को आप से आप खुश होना सीखो बजाय आप बड़ी चीजों की. मीन्स आपने जो कर सकते हो ना वो करके देखो. ये नहीं होना चाहिए मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं ये काम कैसे करूं. नहीं, जितना आपके हैंडल है आप कर सकते हो जितना उतना करो, क्या प्रॉब्लम. और छोटी चीजों से खुश होना सीखो. इसीलिए एक 3 साल का बच्चा आप नोटिस करना 300 बार हंसता है दिन में, मगर एक मैच्योर आदमी 21 साल का 20 साल का 15 साल का इवन 15 बार भी दिन में नहीं हंसता. रीजन इज ओनली वन, अगर आप उस छोटे बच्चे को एक टूटा हुआ खिलौना भी दे दोगे तो वो उससे भी खेलने लग जाएगा. एक डेढ़ साल के बच्चे को आप दे दो टूटा हुआ खिलौना 2 साल में वो उसी से खेलने लग जाएगा, टूटे में से. उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का, कौन सी चीज का. मगर आप 15 साल के बच्चे को दो वो सबसे पहले कहेगा इसमें तो जहर ही नहीं है. 20 साल का बच्चा बोलेगा ये तो खराब है टूटा हुआ है. और 25 साल का आदमी पता है क्या बोलेगा, ये कौन सी कंपनी का है, ये अच्छी कंपनी का है कि नहीं है, नहीं तो लोकल ब्रांड है,
इससे ज्यादा अच्छी कंपनी मेरे दोस्तों के पास है. मींस वी डोंट गेट हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स. सो सबसे बढ़िया लाइफ का एक्सपीरियंस यही है दैट बेस्ट इज ऑलवेज विद यू प्रोवाइडेड यू हैव टू सर्च विद इन योरसेल्फ. जैसे डियर विलेज के अंदर बात कर रहता है ना कि कस्तूरी मिल जाए, मगर एक्चुअली कस्तूरी होती कहां है? उसके अंदर. तो सेम केस इन आवर लाइफ आल्सो, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इज ऑलवेज विद अस. सिर्फ सर्च करने के लिए हमारे अंदर गट्स होते हैं. तो आई बिलीव दैट इफ वी आर हैविंग द गट्स वी कैन इजीली सर्च द बेस्ट आल्सो इन आवर लाइफ. सो आई होप नाउ यू आर सैटिस्फाइड विद द क्वेश्चन. यस सर. एनी मोर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क स्टूडेंट्स? यस प्लीज. हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल सर, हम कठिन लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ओके, देखिए डिफिकल्ट जो लोग हैं वो बहुत वैरायटी के हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति को एक ही तरीके से हैंडल किया जाता है, क्योंकि जीवन में कुछ लोग हैं वो रेस्पेक्ट से हैंडल होंगे, कुछ लोग हैं वो टाइम से हैंडल होंगे, और कुछ लोग हैं वो मॉनेटरी टर्म से हैंडल होंगे. देखिए रेस्पेक्ट वाला आदमी, बैठिए प्लीज, रेस्पेक्ट वाला आदमी को आप रेस्पेक्ट दीजिए वो खुश होगा. टाइम मैनेजमेंट वाले आदमी को आप समय दो थोड़ा सा, वो बहुत खुश होगा. थर्ड इज मॉनेटरी एस्पेक्ट, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स वाले आदमी को सिर्फ वही चीज अच्छी लगती है. तो डिपेंड्स कि उसकी क्वालिटी क्या है सबसे पहले. मगर एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपकी जो सीढ़ी है जिसमें आप बहुत बड़े बन रहे हो, उसमें छोटे जो लोग हैं ना उनसे आप अननेसेसरली थोड़े से खर्चे में अगर आप उन्हें हैंडल कर रहे हो तो आप उन्हें करके आगे बढ़ो, आप उनकी तरफ नजर मत डालो. क्योंकि जब एक एलिफेंट चलता है ना तो एक रोड में कम से कम 10 डॉग्स उसको बाक करते हैं. अगर वो उन 10 डॉग्स को देखने लगे और उसको 10 लेन या 10 रोड क्रॉस करनी है तो 100 बार तो उसको नजर घुमानी पड़ेगी यूं यूं करके उन डॉग्स को देखने के लिए. तो जब आपकी लाइफ के अंदर जो लोग हैं, जो हार्ड है, आर्टिफिकल है, जो डिफिकल्ट लोग हैं, अगर आप उनको देखने में भी टाइम वेस्ट करोगे तो आप सोचो आपने अपनी कितनी एनर्जी तो वेस्ट कर दी. फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा सेठ था, उनकी उसकी एक राजा से बहुत अच्छी दोस्ती थी. तो एक बार्बर, उसकी जो मैरिज थी उसके परिवार में, तो उसने एक बार्बर को बुलाना वो भूल गया. तो बार्बर उसे बोला, बार्बर देखो एक जान करके लिया गया है कि एक स्मॉल कैटेगरी का पर्सन और एक अपर कैटेगरी का पर्सन. अभी जो बार्बर था ये इस बात से नाराज हो गया, ये कहता कि भी तूने मेरे को बुलाया नहीं. तो सेठ ने उस समय जो गलती करी वो भी सुनिए, वो कहते तो क्या हो गया. अब देखिए ये गलत है, आपसे छोटा तो क्या हो गया, आपको उसका रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, इज ए ह्यूमन बीइंग, यहां उसकी गलती थी. अब बार्बर तो अपनी वो बात दिखाएगा, वो कहता ठीक है तो मैं भी तुम्हारा बुरा करूंगा. उसने राजा को जाके भड़का दिया कि राजा जी, वो जब शेव कर रहा था कहता राजा जी मैंने एक चीज देखी पर मैं चाहता हूं आपके साथ ना हो. राजा जी कहते यार क्या चीज? कहते छोड़ो राजा जी आप मुझे दंडित कर दोगे. कहते नहीं आप बता दो यार. कहता नहीं यार. कहता नहीं नहीं प्लीज बता दो यार, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा. कहते राजा जी ये जो सेठ जी थे ना, आप जो महल में नहीं थे तो ये आपकी रानी के पास ही बैठ रहते थे, मैंने देखा ऐसा. राजा उस बात को बहुत ज्यादा ले गया और उसने सेठ को सबसे पहले क्या बोला जाकर, आज के बाद हमारे पास मत आना, मुझसे मत मिलना. एंड ही स्टॉप्ड इट. अब सेठ उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी अज्यूम कर रहा यार बात क्या हुई. तो बात सिर्फ इतनी थी उसने उसे मैरिज में बुलाया और वहां पर उसने उसे ईगो दिखाया. लेटर ऑन सेठ जी को पता लग गया कि जो मेटलिस्टिक मैन होते हैं वो मेटलिस्टिक चीज से ही खुश होते हैं. तो उसने फिर राई को बुलाया, कहता यार सॉरी यार तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकला, तो तू तेरी चीजें पकड़, मैरिज का जो सामान है, जो मिठाइयां है, जो सब कुछ पकड़, तो मुझसे वाकई में तेरे से गलती हुई. तो देखो जब आप स्मॉल पर्सन है तो आप उसको इस तरीके से हैंडल करो. अब वो नाई को क्या चाहिए था, ये चीज चाहिए थी, उसने खत्म करी. उसने फिर राजा को जाकर बोला कि राजा जी कल मैंने आपको देखा आप पोटी पोट पर बैठकर लड्डू खा रहे थे. अब पोटी पोट क्या होता है सुने आपने, छोटे बच्चे पोटी करते हैं ना जिस पर, वो पोटी पोट होता है. तो वो राजा कहता ये क्या बोल रहा है. कहता सर मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मुझे पता आप मुझे मार दोगे, मगर मैं क्या बताऊं. तो राजा कहता ये क्या बोल रहा है तू यार, कल तू कह रहा था वो रानी के साथ बैठा था, आज तू कहता सर इन दिनों ना मैं थोड़ा चरस खा रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे नशा चढ़ा रहता है. तो राजा कहता अच्छा ये बात थी क्या, तू नशे में रहता है तो तू इधर उधर की बातें पता नहीं कभी मुझे कहां देख लेता है, कभी रानी को कहां देख लेता है. कहता ये बात थी तो मैंने अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी. कहता आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, आप उसे वापस दोस्ती कर. तो so many things happen such times in this manner also in our life. एक cute सी bird थी friends, वो अपना nest बना रही थी और बहुत ही तेज बारिश आ रही थी. अब जो ये जो bird थी ये बार बार उस monkey को बोले, सामने ले बैठे monkey को बोले कि monkey तू भी कुछ बना ले कोई घर वर. अब देखो जब इन्होंने बोला atypical लोगों को कैसे handle करना है, तो कई बार क्या होता है unnecessarily हम किसी को advice दे रहे हैं, ये भी गलत है.
मतलब इफ यू वांट टू गिव नॉलेज टू पीपल लेट देम कम एंड टॉक टू यू डोंट गो एंड गिव एडवाइस दे वोंट अंडरस्टैंड उस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझेंगे दे वोंट अंडरस्टैंड इफ दे विल कम दे विल डिवोट देयर टाइम दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर इंपॉर्टेंस तो यहां पर वो जो बर्ड ने उसको बोला मंकी सो रहा था मंकी ने कहा बरसात से क्या हो गया डूब जाएंगे थोड़ा सा सही हो जाएंगे अच्छा वो बर्ड कहे भाई तू बना ले कुछ अपना घर वर बच ले अच्छा वो नहीं माना उसने उसे गुस्से से देखा बर्ड ने अपना आधा घर बना लिया यानी आधा नेस्ट बना लिया बनाने के बाद बर्ड ने फिर उसे बोला कि भाई तू अपना कुछ बना ले बहुत ज्यादा बारिश आ रही है मंकी ने फिर उसको घूर से देखा अब जब पूरा घर बनने वाला था बर्ड ने फिर रिक्वेस्ट कर दी यानी कि हम अननेसेसरी कई लोगों को अननेसेसरी एडवाइस करते हैं वहां क्या प्रॉब्लम आती है मंकी उठा और उसका नेस्ट तोड़ दिया बर्ड कुछ नहीं कर सकते थे ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई मगर ये स्टोरी हमें बहुत अच्छा मॉरल लेसन दे गई कि अननेसेसरी अगर हम लोगों के बीच की लाइफ के अंदर आते हैं और उन्हें एडवाइस भी देते हैं बिना उनके मांगे तो हमारी लाइफ स्पॉइल होती है तो डोंट वेस्ट टाइम इन इंडल्जिंग इन अदर्स पीपल लाइफ इंस्टेड ऑफ दैट डेवलप योरसेल्फ प्रोग्रेस योरसेल्फ दैट इज द बेस्ट वे और जो सच्ची में आपसे एडवाइस देना चाहता है उसको आप एडवाइस दो ना क्या प्रॉब्लम तो दिस इज अ वे टू टैकल पीपल अगर आप इस तरीके से लोगों को टैकल करने लग जाओ तो मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कोई और क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको लगता हो यस प्लीज ओके मैनेजमेंट यू वांट टू नो ओके देखिए मैनेज वर्ड जो है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इवन मैंने भी जब एमबीए किया तो मैं ये बात मानता था डेफिनेशन इज वेरी राइट हाउ टू हैंडल पीपल सो मैनेजमेंट इज लाइक हैंडलिंग पीपल मेकिंग थिंग्स डन थ्रू और विद द पीपल इज टू बी नोन एज मैनेजमेंट मगर मैनेजमेंट के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी लाइफ का मैनेजमेंट कैसे करें तो कभी भी कोई पिक्चराइजेशन के अंदर पर्टिकुलर अपना टाइम टेबल बनाकर रखिए कभी भी कहीं भी और उसको पिक्चराइजेशन में ही रहने दीजिए जब आप जो समय हो उस समय आप नोटिस करिए कि इस समय आप क्या कर रहे हो क्या आप वो कर रहे हो जो आपने अपने टाइम टेबल के अंदर बनाया था तो हमेशा आपके साथ एक क्लॉक चलने लग जाएगी एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो मेलेटोनिन जो हमारे क्लॉक हमारे एक तरीके से हमारे बॉडी में क्लॉक की तरह यूज होता है तो वो हमें बेनिफिट देगा कि किस समय क्या काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा अच्छा मैनेजमेंट के ऊपर अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक एक ऐसी स्टोरी जो रियल है हमारी लाइफ में जो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता लगेगा मैनेजमेंट कितना अच्छे वे में किया गया है तो आपने रिसेंटली एक एग्जांपल सुना होगा गुजरात में काफी जोरी ने जोरी आप समझते हैं ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं इन्होंने काफी अपने एम्प्लॉयज को कार्स दी थी गिफ्ट में 500 कार्स दी थी किसी ने 150 दी थी किसी ने 200 भी दी थी एक गोल्ड स्मिथ ने 500 कारें अपने एम्प्लॉयज को दी एज अ गिफ्ट और उन कारों पर कुछ डेकोरेट भी किया गया कुछ एडवर्टाइज भी किया गया थोड़ा सा कि भाई आप इन्हीं कारों में आओ थोड़ी रिक्वेस्ट भी करी गई अब वो जोरी बड़ा इंटेलिजेंट था उसने अपने सारे मेंबर्स को वो कार तो दी और उनके लिए पार्किंग भी बना दी अब वो लोग आते और अपनी पार्किंग में जाते और सब जने अपने काम पे लग जाते मैनेजमेंट अच्छा है जो हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं टाइम मैनेजमेंट मगर जो यूनिक बात उसने करी गोल्ड स्मिथ ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो बात ये थी कि उस गोल्ड स्मिथ ने क्या किया जो पार्किंग्स थी वो एक कम बना दी यानी कि 499 पार्किंग्स बना दी और कारें कितने लोगों के पास थी 500 लोगों के पास अब उसने क्या किया मैनेजमेंट की वजह से कि मैनेजमेंट बना रहे टाइम पे लोग आए सब जने टाइम पर आए उसने कहा सबके लिए पार्किंग फ्री है आप आइए जो लास्ट में जो आएगा जिसके लिए पार्किंग नहीं बनी है उसको स्पेशल मेरी पार्किंग वाली जगह पर रोकना होगा और वहां पे चार्जेस 500 रुपीस पर डे लगेंगे तो आप देखिए 15,000 रुपीस पर मंथ बनते तो वो जोरी ने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप अब क्या होगा हर कोई क्या करेगा लेट आने की कोशिश करेगा कि जल्दी आने की कोशिश करेगा जल्दी आने की कोशिश कोई चाहेगा ऐसा कि मैं 30वें नंबर पर जाऊं और वो पार्किंग मुझे ना मिले और वो 500वें नंबर पर जाऊं सॉरी 500 नंबर पर जाऊं जहां पे पार्किंग है ही नहीं और मुझे वो पार्किंग नहीं दूसरी लेनी पड़ेगी रोज कितना पे करना पड़े 500 तो सिर्फ एक पार्किंग ना बनाने के लिए ना बनाई और उसने मैनेजमेंट कितना अच्छा कंट्रोल कर लिया तो ये भी एक मैनेजमेंट का ही पॉइंट है हो सकता है वो जोरी बहुत एजुकेटेड ना हो मगर उसमें मैनेजमेंट कितना अच्छा था कि उसने सब लोगों को क्या कर दिया इस चीज के लिए पंक्चुअल कर दिया तो ये भी एक अच्छा पार्ट है आपकी लाइफ का मैनेजमेंट का तो आई होप स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन लिस्ट इज ओवर एंड टुडे सेशन यू हैव लर्न्ड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम मी काइंडली मेक वन थिंग दैट ऑल दी स्टोरीज शुड बी प्लेस्ड इन योर लाइफ ऑल्सो इन स्टोरीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो कौन सी स्टोरी किस पार्ट में आपकी लाइफ पे आ रही है वो आप देखो घर जाकर
जब आप कोई छोटी चीज देखो अपने पास तो दुखी मत हो, उसके अंदर खुश रहना सीख लो, आपकी लाइफ अपने आप खुशनुमा बन जाएगी। सो माई बेस्ट विशेज विद यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।